यूपी की रायबरेली सीट से कांग्रेस के टिकट पर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अमेठी के फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। राहुल आज रायबरेली से नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बेगमपेट हवाई अड्डे से एक विशेष विमान के जरिए रायबरेली के लिए रवाना हुए। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि रायबरेली की जनता राहुल गांधी को कभी स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली अमेठी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, वायनाड से आकर के रायबरेली में। उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रणछोड़ दास लोग हैं। ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। सर, अमेठी में भी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, क्या लगता है? देखिए, आप जानते हैं बीजेपी पहले ही जीत चुकी है और प्रचंड बहुमत दोबारा मिलने वाला है। इससे पहले रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा कि रायबरेली एक परंपरागत सीट है जहां हमेशा विकास का कार्य हुआ है। अमेठी में भी वही हाल है और उम्मीद है कि राहुल गांधी विजयी होंगे।